हेलो चिल्ड्रन, दिस इज अंजुम शेख, टीचर वर्किंग एट गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दुसेरा, ब्लॉक अभनपुर, डिस्ट्रिक्ट रायपुर, छत्तीसगढ़। बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताइए, आप सभी ने सोचा होगा या आपने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया होगा अपने जीवन में, है ना? क्योंकि जब हम अपने टारगेट या लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए रास्ता बनाते हैं, और बिना लक्ष्य के हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। सो चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ लेसन, लेसन 17 फ्रॉम क्लास 8, नथिंग बट द टारगेट। टारगेट, हियर टारगेट मीन्स लक्ष्य। देखिए बच्चों, लक्ष्य, और हम इस लेसन में नथिंग बट द टारगेट, कुछ नहीं केवल लक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं किसके लक्ष्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं। कैन यू नेम द पर्सन इन द पिक्चर? चिल्ड्रेन, क्या आप इस पिक्चर में जिनका चित्र दिया गया है, ये जिनका चित्र है, उनके बारे में आप जानते हैं या उनका नाम आप जानते हैं? यदि जानते हैं तो बताइए, प्लीज स्पीक अप। हु इज दिस पर्सन? ओके, दिस इज राज्यवर्धन सिंह राठौर। ये राज्यवर्धन सिंह जी राठौर हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए ओलंपिक गेम्स में सबसे पहले ऐसे व्यक्ति हैं ये जिन्होंने व्यक्तिगत खेलों में, निशानेबाजी में, शूटिंग में सर्वप्रथम हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया था। तो आज हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया, उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशंस की और कैसे इन्होंने अचीवमेंट हासिल किए, देखते हैं। नथिंग बट द टारगेट, कुछ नहीं केवल लक्ष्य, मतलब लक्ष्य के सिवा कुछ भी नहीं। दिस वॉज इंडियंस फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग इवेंट। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। बच्चों, भारत के ओलंपिक इतिहास में ये सर्वप्रथम, सबसे पहला व्यक्तिगत सिल्वर मेडल था, जो कि एक व्यक्तिगत खेल में हासिल किया गया था और शूटिंग इवेंट में, यानी कि निशानेबाजी में हासिल किया गया था। तो ये मेडल, ये सिल्वर मेडल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने अचीव किया था। लेट्स रीड व्हाट ही सेड आफ्टर ही वॉन द मेडल। चलिए पढ़ते हैं कि जब उन्होंने इस मेडल को हासिल किया या प्राप्त किया तो उन्होंने क्या कहा, उन्हें कैसा लगा। बच्चों, द लेसन ट्राइज टू कैप्चर द रिएक्शंस आफ्टर ही हैड अचीव्ड द फील बेस्ड ऑन इनिशियल इंटरनेट इंटरव्यूज एंड स्टोरीज। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर अ 34-year-old आर्मी मैन फिनिश्ड सेकेंड इन द मेन्स डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट ऑन ट्यूजडे द 17 अगस्त 2004 इन द 28th ओलंपिक गेम्स इन एथेंस। बच्चों, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो कि 34 इयर्स के एक पूर्व आर्मी मैन थे, ये आर्मी में कर्नल थे, और इन्होंने ओलंपिक गेम्स जो कि एथेंस में 17 अगस्त 2004 को हुआ था, मंगलवार के दिन, उस दिन डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट मेंस में इन्होंने अपने देश के लिए
सिल्वर मेडल प्राप्त किया। बच्चों डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। इस शूटिंग इवेंट में क्ले डिस्क, दो क्ले डिस्क जो है वो एक मिट्टी की डिस्क एक मशीन के द्वारा फेंकी जाती है और उन दोनों डिस्क पे निशाना लगाना होता है, तो ये कहलाता है डबल ट्रैप शूटिंग इवेंट। इसमें इन्होंने अपने देश के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त किया। फीलिंग्स वाइल रिसीविंग द मेडल्स, तो जब इन्होंने अपने देश के लिए मेडल प्राप्त किया और जब मेडल ये रिसीव कर रहे थे उस वक्त की उस टाइम पे इन्होंने क्या फील किया, इन्हें कैसा महसूस हुआ और ये अपनी उन फीलिंग्स को अपने देशवासियों के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली जब हम अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं, हमें मौका मिलता है तो हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो आइए देखिए फीलिंग्स व्हाइल रिसीविंग द मेडल्स। इट फेल्ट एब्सोल्यूटली ग्रेट। इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन अ मेडल फॉर द कंट्री एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। बच्चों एब्सोल्यूटली यानी होता है पूर्णतया और सर्टेनली यानी निसंदेह। इट फेल्ट एब्सोल्यूटली ग्रेट, वास्तव में पूर्णतया पूरी तरह से ये बहुत एक महान अनुभूति थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी। इट सर्टेनली फील्स गुड टू विन, निश्चित तौर पे निसंदेह जब हम अपने देश के लिए हमको कुछ करने का मौका मिलता है, हम जब अपने देश के लिए एक मेडल जीत कर लाते हैं तो वो जो फीलिंग होती है वो सर्वोपरि होती है। क्यों सर्वोपरि होती है? क्योंकि हम गर्व महसूस करते हैं कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने का मौका मिला एंड दैट मेक्स इट इवन मोर गुड, और ये फीलिंग और अच्छी हो जाती है बिकॉज द कंट्री फील्स प्राउड। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे साथ साथ पूरी जो कंट्री होती है, हमारा जो पूरा देश होता है वो भी गौरवान्वित महसूस करता है। और इस प्रकार का जब मौका हमारे जीवन में आता है तो हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। फीलिंग्स व्हाइल ड्रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ दैट आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री एंड द फ्लैग्स आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री सो द फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ। बच्चों जब इन्होंने ये मेडल जीता उसके बाद फीलिंग्स वाइल्ड रैप्ड इन कंट्रीज फ्लैग एट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के समय मेडल हासिल करने के समय इन्होंने अपने देश के फ्लैग को रैप कर लिया यानी अपने चारों ओर लपेट लिया। उस वक्त ये कैसा फील कर रहे थे, इन्हें क्या लग रहा था, देखते हैं इस पैराग्राफ में। रिलीफ यानी होता है बच्चों राहत या संतोष, एकॉम्प्लिश यानी प्राप्त करना या पूरा करना। इट वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ, यह एक राहत का सेंस था या मेरे लिए एक संतोष था कि दैट आई वॉज एबल टू अकॉम्प्लिश समथिंग फॉर द कंट्री, कि मैंने अपने देश के लिए या मैं अपने देश के लिए कुछ करने में सक्षम हुआ, ये मेरे लिए राहत की बात थी। एंड द फ्लैग्स, और जो फ्लैग है झंडा, आई वॉन्टेड समथिंग क्लोज टू द सिम्बॉल, मैं चाहता था कुछ बहुत क्लोज हो, एक प्रतीक या एक सिम्बॉल के रूप में जो मेरे देश के बहुत क्लोज हो, विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री, जो मेरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो। तो बच्चों हमारे देश के तिरंगे झंडे के अलावा और कोई भी ऐसा प्रतीक या सिंबल इतना क्लोज नहीं है देश से, और ये जताना चाहते थे, बताना चाहते थे कि मैं भारतवासी हूँ, और ये बताने के लिए हमारे देश के झंडे के से ज्यादा क्लोज कुछ भी नहीं था। सो द
फ्लैग वॉज द बेस्ट थिंग, इसलिए जो फ्लैग था वो झंडा था वो सबसे उत्तम वस्तु था जो शो करता या प्रदर्शित करता कि मैं इंडियन हूँ और मैं भारतीय हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू रैप इट अराउंड माई सेल्फ, और मैं इसे ही अपने चारों ओर लपेट कर वहाँ पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता था, और मैंने ऐसा किया। आप देखते हैं आगे, तो इस प्रकार इन्होंने ये सब मेडल जीतने के बाद जो उनकी भावनाएं थी ये हमने यहाँ पर पढ़ा। आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि मेडल जीतने के लिए या इस अचीवमेंट के लिए इन्होंने कैसे प्रिपरेशंस की, क्या तैयारी की, उस वक्त ये क्या महसूस कर रहे थे, है ना बच्चों? तो आइए हम देखते हैं प्रिपरेशंस इन द लास्ट फ्यू डेज, आखिरी के कुछ दिनों में जो मेरी तैयारियां थी। देर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, देर हैज टू बी अ हेल्दी बैलेंस। व्हेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एनक्सियस, आई वुड रिलैक्स, क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। देर वॉज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। जब बच्चों हम किसी प्रतियोगिता में जाने वाले होते हैं और जब बहुत लोगों का हमारे ऊपर, बहुत लोगों की नज़र होती है, बहुत लोगों की हमको हमसे उम्मीद होती है, हमसे आशा करते हैं लोग कि हम कुछ बड़ा काम करने वाले हैं, तो उस समय जब हम किसी बड़ी प्रतियोगिता में जाते हैं या अपने देश का प्रतिनिधित्व तो करने जाते हैं, तो उस समय हमको कैसा लगता है? वो राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने यहाँ पर शेयर किया है कि जब प्रिपरेशन मेरी चल रही थी और लास्ट समय आ गया था प्रतियोगिता का, तो वहां पर क्या हो गया था, देयर वाज अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। वहां पर सभी प्रकार के विचार जो है वो आपस में मिक्स हो गए थे। देयर हैज टू बी अ हेल्दी बैलेंस, और वहां पर एक स्वस्थ बैलेंस होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि अगर निगेटिविटी हावी हो जाती है, यदि हम किसी प्रतियोगिता में जाते हैं तो निगेटिविटी हावी हो जाती है, तो हम अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहां पर सारी भावनाओं को मिक्सअप नहीं होने दिया जाना चाहिए, वहां पर हमें एक हेल्दी बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। व्हेन एवर आई फेल्ट दैट आई वॉज गेटिंग एंग्जियस, जब भी मैंने ये सोचा कि या महसूस किया कि मैं चिंतित हो रहा हूं या मैं परेशान हो रहा हूं, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे मैं परेशान हो रहा था उस वक्त, मैं चिंतित हो रहा था, तो आई वुड रिलैक्स, क्रैक अ जोक और टॉक टू समबडी एंड मेक द एनवायरमेंट लाइटर फॉर माई सेल्फ। जब बच्चों हम परेशान होने लगते हैं या चिंतित होने लगते हैं तो हमें अपना ध्यान दूसरी तरफ केंद्रित करना चाहिए। ठीक ऐसा ही इन्होंने किया। ये बताते हैं कि जब ये चिंतित हो रहे थे तो इन्होंने क्या किया था, ये दोस्तों से बात करते थे, आराम करते थे और हंसी मजाक करते थे, और इस प्रकार अपने आसपास के वातावरण को हल्का बनाने की कोशिश करते थे और अपने आप को भी रिलैक्स करने की कोशिश करते थे, और यही किया जाना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? चलिए आगे देखते हैं। प्रिपरेशंस इन द लास्ट फ्यू डेज, बट व्हेन एवर आई नीडेड फोकस आई वुड क्लोज माई आईज एंड थिंक ऑफ द टारगेट ऑफ हाउ आई वुड डू, हाउ माई इमोशंस वुड बी, वॉट इज माई गेम प्लान फॉर द मैच एंड एवरीथिंग। अब ये बताते हैं कि प्रिपरेशंस इन द लास्ट फ्यू डेज, आखिरी के जो कुछ दिन थे उन दिनों में इन्होंने कैसे कॉन्सेंट्रेट किया, कैसे तैयारी की, देखते हैं। वेन एवर आई नीडेड फोकस, जब भी मुझे फोकस करने की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कि जब मुझे ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बच्चों जब हमें सफलता हासिल करनी है तो हमें अपना ध्यान तो केंद्रित रखना पड़ता है ना? तो ये बताते हैं कि आई वुड क्लोज माई आईज, मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करता था। क्या करता था? मैं अपनी आंखें बंद कर लिया करता एंड थिंक ऑफ द टारगेट, और मैं सिर्फ अपने टारगेट के बारे में आंखें बंद करके सोचा करता था। ऑफ हाउ आई वुड डू, कि मैं कैसे करूंगा, हाउ माई इमोशंस वुड बी, और मैं अपनी भावनाओं पर कैसे मैं नियंत्रण रखूंगा, मेरी भावनाएं क्या होंगी उस समय जब मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन कर रहा होऊंगा, उस वक्त मुझे अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित करके रखना होगा,
व्हाट इज माय गेम प्लान, साथ ही मुझे अपने खेल के लिए एक प्लानिंग से चलना होगा, मेरा गेम प्लान क्या होगा फॉर द मैच एंड एवरीथिंग। उस मैच के लिए मैंने क्या सोच के रखा था, मैं क्या महसूस करता था और उसके लिए मैंने क्या प्लानिंग किया था, ये सब जो है एंड एवरीथिंग और इस प्रकार की हर बातें जो है वो उसके बारे में सोचा करते थे और फोकस किया करते थे। नथिंग बट द टारगेट, मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करते थे। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, आई रियलाइज्ड दैट आई वाज मिसिंग बिकॉज आई वाज लूजिंग एग्रेशन। व्हेन यू लूज योर एग्रेशन यू लूज योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग। बच्चों यहाँ एग्रेशन का मीनिंग है आक्रामकता। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, फोकस यानी होता है बच्चों ध्यान केंद्रित करना। फाइनल पॉइंट, जब लास्ट मोमेंट था, फाइनल पॉइंट में जब ये पहुंचे थे तो इन्होंने कैसे फोकस किया, आई रियलाइज्ड, इन्होंने रियलाइज किया दैट की आई वॉज मिसिंग, मैंने कुछ मिस कर दिया, मैंने कुछ गलती कर दी। दैट आई वॉज मिसिंग बिकॉज आई वॉज लूजिंग एग्रेशन, मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने अपने खेल की आक्रामकता जो है वो मैंने लूज कर दी है, खो दी है, मैंने कुछ मिस कर दिया इसकी वजह से। और वेन यू लूज योर एग्रेशन, और बच्चों जब आप अपना एग्रेशन या अपनी आक्रामकता जो है वो खो देते हैं, यू लूज योर नेचुरल वे ऑफ शूटिंग, तो आप अपना जो नेचुरल वे है या आपकी जो प्राकृतिक एबिलिटी है, योग्यता है, वो शूटिंग के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बात हर चीज के लिए लागू होती है कि जब आपने अपने काम की उत्तेजना या आक्रामकता एग्रेशन जो है वो खो देते हैं, तो आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है वो आप साबित नहीं कर पाते। और हमें अपनी योग्यता को साबित करने के लिए, अपनी योग्यता को सबके सामने दिखाने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए अपने एग्रेशन को रखना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मैंने उस वक्त अपना एग्रेशन खो दिया था, इसलिए मैंने प्रथम फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है मैंने लूज कर दिया था, और इसलिए मुझे अपना एग्रेशन बनाकर रखना है ना बच्चों। फोकस एट द फाइनल पॉइंट, तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, आई देन टोल्ड माई सर, तब मैंने फाइनल पॉइंट फोकस करने के लिए अपने आप से कहा, आई शुड गो हार्ड, मुझे बहुत मेहनत करनी चाहिए एट द टारगेट, अपने टारगेट के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। दैट्स हाउ आई मेट दोज लास्ट टू। और इस प्रकार वापस अपने गेम में फोकस करके, अपने टारगेट में फोकस करके मैंने ये दो अटेम्प्ट जो है वो उनको प्राप्त किया, अचीव किया। आई वॉज एब्सोल्यूटली फोकस्ड ऑन द टारगेट, मैं पूरी तरह से अपने, मैंने अपने टारगेट पे, लक्ष्य पर ही फोकस किया। आई कुड सी नथिंग एल्स बट द टारगेट, मैं लक्ष्य के अलावा, लक्ष्य के सिवा मुझे कुछ नहीं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था लक्ष्य के अलावा। बच्चों आपने अर्जुन की आंख वाली जो महाभारत की कहानी वो सुनी, जब अर्जुन से पूछा जाता है कि आपको कहाँ पर निशाना लगाना है, आप क्या देख रहे हैं, तो वो ये नहीं कहते कि मुझे मछली पर निशाना लगाना, वो क्या कहते हैं कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है सिर्फ। ठीक इसी तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने सिर्फ अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर अपना ध्यान केंद्रित किया, अपना फोकस किया, और यही बात वो अपनी फीलिंग्स जब शेयर करते हुए बता रहे हैं कि जब आपको कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, अपने देश का गौरव बनना है, तो आप, आपको उस वक्त कुछ भी नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको अपनी फीलिंग्स में कंट्रोल रखना चाहिए और आपको अपने ऊपर, अपनी एबिलिटी के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और इस प्रकार लक्ष्य में फोकस करके इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने अपने देश के लिए हासिल की, और ये फर्स्ट, मतलब पहली बार था हमारे भारत देश के लिए ओलंपिक गेम्स में 2004 में जब इन्होंने ये मेडल, सिल्वर मेडल व्यक्तिगत खेल में हासिल किया। इसके पहले हमें
हमारे देश को व्यक्तिगत खेल में एक भी मेडल नहीं प्राप्त हुआ था। इसलिए निश्चित तौर पे ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात रही है। तो बच्चों, आपने नथिंग बट द टारगेट अच्छे से पढ़ा और समझा और इसकी थीम को भी समझा। इसका आप एक मेन उद्देश्य जो है इस पाठ का, इस लेसन का, वो मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ कि हमें आपको अपने लाइफ में एक टारगेट निर्धारित करना चाहिए और उसको हासिल करने के लिए हमें अपनी कठिन परिश्रम, अपनी कड़ी मेहनत जो है लगा देनी चाहिए। और हम जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले तब तक हमें कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। नथिंग बट द टारगेट, कुछ नहीं केवल लक्ष्य। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइजेस की ओर चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज स्पेशल अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर विनिंग द सिल्वर मेडल इन शूटिंग? बच्चों, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी ने जो सिल्वर मेडल शूटिंग में प्राप्त किया था या जीता था, उसमें विशेष क्या है? आपने पढ़ा है लेसन में, बताइए। एनीबडी, कोई भी बच्चे, प्लीज स्पीक अप, प्लीज रिप्लाई। बच्चों, राज्यवर्धन सिंह जी राठौर ने जब सिल्वर मेडल ओलंपिक गेम्स में जो है वो जीता, तो उसमें विशेष क्या था? विशेष यही था कि इसके पहले व्यक्तिगत खेलों में हमने, हमारे देश में एक भी मेडल हासिल नहीं किया था, है ना? द स्पेशल थिंग अबाउट राज्यवर्धन सिंह राठौर इज दैट ही वॉन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल सिल्वर मेडल इन ओलंपिक हिस्ट्री इन शूटिंग। सबसे पहली बार उन्होंने ये सिल्वर मेडल अपने देश के लिए सर्वप्रथम हासिल किया था और यही इसकी विशेषता थी, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज एग्रेशन इम्पोर्टेंट इन अ स्पोर्ट? एग्रेशन यानी कि आक्रामकता, आपने लेसन में पढ़ा। आक्रामकता या एग्रेशन वो महत्वपूर्ण क्यों है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए या गेम के लिए, बताइए। अभी आपने लेसन में पढ़ा है, क्योंकि जब हम उत्तेजना या आक्रामकता खो देते हैं तो हम अपनी नेचुरल एबिलिटी, अपनी प्राकृतिक योग्यता भी खो देते हैं, है ना? कोई बच्चे बताएंगे इसका आंसर? चलिए, एग्रेशन इज इम्पोर्टेंट इन अ स्पोर्ट बिकॉज अ स्पोर्ट्समैन कैन लूज अ नेचुरल वे ऑफ अ स्पोर्ट्स विदाउट एड, है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड ही रैप द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ एट द प्रेजेंटेशन? उन्होंने प्रेजेंटेशन के टाइम पे कंट्री के फ्लैग को क्यों लपेटा अपने शरीर में, क्यों लपेटा? क्योंकि वे जानते थे, ही रैप्ड द कंट्रीज फ्लैग अराउंड हिमसेल्फ बिकॉज दिस वॉज द सिम्बॉल विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री। ये एक सिंबल, एक प्रतीक था हमारे देश, हमारी भारतीयता। और वो चाहते थे कि जब वो इस मूवमेंट के लिए जाए तो वो कुछ ऐसा क्लोज सिंबल या प्रतीक अपने देश का वो उनके पास हो जो प्रतिनिधित्व करता हो भारत देश का, जिससे पता चलता हो कि मैं इंडियन हूँ। उस समय उन्हें बहुत ज्यादा गर्व की फीलिंग हो रही थी, प्राउड फीलिंग हो रही थी, और इसलिए वो कोई ऐसा क्लोज सिंबल जो है वो देश का वो अपने साथ रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कंट्री के फ्लैग को अपने चारों ओर लपेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड ही डू व्हेन एवर ही नीडेड टू फोकस ऑन द स्पोर्ट? जब भी वो अपने स्पोर्ट्स में, गेम में फोकस करना चाहते थे तो वो क्या करते थे, जब फोकस की आवश्यकता थी तो वो क्या करते थे? अभी हमने पढ़ा है, बताइए क्या करते थे। चलिए, इसका आंसर है
He focused on the target and could see nothing else but the target. वो सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करते थे और टारगेट के अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा उनको कुछ दिखाई भी नहीं देता था और वो सिर्फ अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे फोकस करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एग्रेशन इम्पॉर्टेंट इन अ स्पोर्ट? एक स्पोर्ट के लिए एग्रेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? तो ये हमने पढ़ा है अभी कि एग्रेशन जो है वो, एग्रेशन इज इम्पोर्टेंट इन अ स्पोर्ट बिकॉज अ स्पोर्ट्समैन कैन लूज अ नेचुरल वे ऑफ स्पोर्ट्स विदाउट इट. तो एक व्यक्ति जो है इसके बिना अपना नेचुरल वे जो है वो खो देता है, अपनी प्राकृतिक योग्यता खो देता है. अब देखते हैं बच्चों, इस लेसन में एक एक्सरसाइज आया है, उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ. द क्लास, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट. इस लेसन में अभी आपको एक एक्सरसाइज दिखाएंगे, उसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लास क्या है. बच्चों, क्लास जो है वो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, दैट इज यूज एज पार्ट ऑफ सेंटेंस, जो कि सेंटेंस के एक पार्ट के रूप में यूज किया जाता है. विच कंटेन्स अ वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट, और उस सेंटेंस के पार्ट में इसका अपना वर्ब, अपना एक वर्ब और इसका अपना एक सब्जेक्ट भी होता है. यहाँ पर इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं. यहाँ पर हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे. अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन इन द सेंटेंस, वेदर दे आर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. तो बच्चों, नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है, अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ये मेन क्लॉज में डिपेंड होता है. और दैट टेक्स द प्लेस ऑफ एनी नाउन, जो कि किसी भी नाउन का रूप हो सकता है इन द सेंटेंस, उस वाक्य में, उस सेंटेंस में, वेदर दे आर सब्जेक्ट, या तो वो सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, और या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है. तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अब हम देखते हैं. यहाँ पर एक वो आपको मैच करना है, और मैच द कॉलम करने के बाद फिर हम उसका दैट क्लॉज या नाउन क्लॉज बनाएंगे. मैच द कॉलम्स ए एंड बी एंड राइट द सेंटेंसेस एज गिवन इन द एग्जाम्पल एंड अंडरलाइन दैट क्लॉज. आपको ये दोनों कॉलम को मैच करना है, और उसके बाद सेंटेंस के लिए एक जो सेंटेंस आपको बनाना है दैट क्लॉज के रूप में, उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है. तो इसको हम कैसे मैच करेंगे, उसमें से कोई बताएंगे. कॉलम ए में दिया है सानिया मिर्जा, पीटी उषा, महेंद्र सिंह धोनी, प्रकाश पादुकोण एंड विश्वनाथ आनंद. और कॉलम बी में दिया है चेस, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स. तो बच्चों, कॉलम ए में प्लेयर्स के नाम दिए हैं और कॉलम बी में गेम्स के नाम दिए, तो आपको इनको मैच करना है. तो बताइए, सानिया मिर्जा जो है वो किस खेल से रिलेटेड है? कम ऑन, सानिया मिर्जा कौन से गेम से रिलेटेड है? टेनिस. सानिया मिर्जा कौन सा गेम खेलती है? टेनिस. वेरी गुड. पीटी उषा, पीटी उषा कौन से गेम में थी? एथलेटिक्स. किसमें थी? एथलेटिक्स. महेंद्र सिंह धोनी आप सब अच्छे से जानते हैं, तो धोनी जी क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट खेलते हैं, है ना बच्चों? प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जी बैडमिंटन खेलते थे. ओके, एंड द लास्ट विश्वनाथ आनंद. विश्वनाथ आनंद जी चेस के खिलाड़ी हैं. ओके चिल्ड्रन, अब आगे देखते हैं.
देखिए, अभी हमने मैच किया है सानिया मिर्जा टेनिस, प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन, पीटी उषा एथलेटिक्स, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट और विश्वनाथ आनंद जी चेस। अब इसका हमको दैट क्लॉज कैसे कर बनाना है? फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक आपके लिए बनाया है। आई नो दैट सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर टेनिस। आपने कॉलम में मैच किया था सानिया मिर्जा टेनिस, तो आपको यहाँ पर इसका क्लॉज बनाना है। आई नो दैट सानिया मिर्जा इज फेमस फॉर टेनिस। जस्ट लाइक दिस आप सेकेंड वाला बनाएंगे। आई नो दैट प्रकाश पादुकोण इज फेमस फॉर बैडमिंटन। आई नो दैट पीटी उषा इज फेमस फॉर एथलेटिक्स। आई नो दैट महेंद्र सिंह धोनी इज फेमस फॉर क्रिकेट। आई नो दैट विश्वनाथ आनंद इज फेमस फॉर चेस। तो बच्चों, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्समैन पर्सन्स इन योर लोकेलिटी एंड डिस्क्राइब व्हाई यू एडमायर देम। अपने आसपास से किसी फेमस स्पोर्ट्समैन को आपको चूज करना है, उनके बारे में लिखना है और आप उनको क्यों पसंद करते हैं उसके बारे में भी लिखना है। और बच्चों, इस तरह से आपने इस लेसन में क्वेश्चन आंसर देखा, वर्ड मीनिंग देखा, ग्रामर देखा, तो आप बुक्स में और भी एक्सरसाइज दिए हैं उनको बना सकते हैं और साथ ही इन क्वेश्चन एक्सरसाइज के इसके आंसर कॉपी पर नोट कर सकते हैं और घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चों, लेसन आपको समझ में आ गया, एक्सरसाइजेस भी हो गया। आज की क्लास मैं एक मैसेज के साथ जो है वो इसका एंड करना चाहती हूँ और वो मैसेज है मास्क। मास्क जो है वो MASK। एम मेरा, ए आपका, एस सुरक्षा और के कवच। मास्क जो है वो मेरा आपका सुरक्षा कवच है, तो इसलिए आप सब मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। ओके चिल्ड्रन, स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गुड बाय।